हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, अक्सर लोगों के घरों में जो वाटर पंप होता है, उस वाटर पंप को अगर वो सोलर सिस्टम से चलाना चाहे, और सोलर सिस्टम तो चलाना चाहे साथ में रात में भी, अगर हम उस वाटर पंप को चलाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, इस टॉपिक पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, देन इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का हमने सोचा है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वाटर पंप होता है उसे हम जो है सोलर सिस्टम से चला सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम सोलर सिस्टम से चला रहे हैं, और वो सोलर कब काम करेगा, दिन के टाइम काम करेगा, मतलब जब धूप रहेगा उस समय सोलर सिस्टम यानी सोलर वाटर पंप जो है वो पानी देगा। लेकिन रात के समय क्या है, वो वाटर पंप पानी नहीं देगा क्योंकि पैनल तो काम करेगा नहीं। लेकिन अक्सर लोग ये भी चाहते हैं कि रात के समय भी मेरा पंप या फिर मेरा मोटर या फिर किसी, ज़रूरी नहीं कि वाटर पंप में ही हो, अगर नॉर्मली आटा चक्की या कोई भी किसी भी तरह का चक्की अगर चला रहा हो, मशीन चला रहा हो और उसमें मोटर लगा है, और वो मोटर को अगर सोलर सिस्टम से चलाना चाहता है रात के समय भी, तो क्या कर सकता है, क्या उपाय है उसके पास। तो आज के वीडियो में ये चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो सोलर वाटर पंप हो या फिर सोलर आटा चक्की हो या किसी भी तरह का मोटर हो, हम उसे अगर सोलर से चला रहे हैं दिन के टाइम, तो रात के टाइम भी हम उसे चला सकते हैं। और चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा। जी हाँ, अब बैटरी बैंक लगाएंगे तो उसको हम कितने बैटरी लगाएंगे, कितने पैनल लगेगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, वो चीज़ हम लोग जानते हैं एक एक करके। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लेते हैं कि किसी के घर में या फिर किसी के पास भी हो सकता है कि एक HP का वाटर पंप है, तो वो वाटर पंप सोलर वाटर पंप है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक HP को चलाने के लिए कितने सोलर पैनल का रिक्वायर्ड होगा। तो एक HP को चलाने के लिए 1000 वाट सोलर पैनल का रिक्वायर्ड होता है। अब हम यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको, मैं डिस्प्ले में दिखा रखा हूँ, यहाँ पे आप ये देख पाओगे स्क्रीन में, तो हमारे सामने जो स्क्रीन है तो मैं भी ये देख पा रहा हूँ। तो इस स्क्रीन में आप देखोगे कि एक HP सोलर वाटर पंप को चलाने के लिए जो है, तो हमें कितने वाट का पैनल चाहिए, हमें 1000 वाट का पैनल चाहिए। अब इसको 1000 वाट जो पैनल है, तो ये आउटपुट कितना देगा, तो ये 1 घंटे में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना भी दे तो 600 वाट से ज़्यादा दे नहीं सकता। ठीक है, अगर 1000 वाट का पैनल लगाए हो आप, तो वो मैक्सिमम कितना भी देगा तो 600 वाट देगा पर घंटे। ठीक है, मैक्सिमम पैनल जो होते हैं वो 500 वाट ही देते हैं, लेकिन अगर अच्छे क्वालिटी का पैनल लगाए हो, बाईफेसियल, हाफ कट या फिर पॉली मोनो का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल एक पैनल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर पैनल का डिफरेंस बताने जाऊँगा तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम पैनल में डिफरेंस नहीं बता रहे हैं, कोई पैनल है मान के चलते हैं। ठीक है, कि 600 वाट पैनल से आउटपुट मिल रहा है ईच आवर, तो हम यहाँ देख पाएंगे जैसे मैंने अपने मेंशन कर रखा। इसके आगे हम देखते हैं कि एक HP को चलाने के लिए कितना वाट रिक्वायर्ड होता है, मतलब कितने पावर चाहिए होता है एक HP को चलाने के लिए, या फिर हम ये बोल लें कि एक HP जो पंप होता है वो, उसका बराबर अगर वाट निकाला जाए तो कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट हो जाता है। तो एक HP को चलाने के लिए 746 वाट चाहिए, लेकिन हम दे कितना रहे हैं, हम सिर्फ 600 वाट ही दे रहे हैं, जो कि 1000 वाट अगर पैनल लगाते हैं तो। इसके आगे चलते हैं, तो हमें कितने घंटे हम इससे सोलर पैनल से जो है वाटर पंप चला सकते हैं, तो 8 घंटे मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 घंटे ही जो वाटर पंप है वो चल सकता है। हम बात यहाँ एवरेज का कर रहे हैं, ये नहीं कि ठंड के टाइम में कम दे रहा है, गर्मी के टाइम ज़्यादा दे रहा है, ऐसा नहीं, हम पूरे साल का एवरेज लेके चलते हैं कि पूरे साल का 8 घंटे जो है वो सोलर वाटर पंप चल सकता है। अब एवरेज गर्मी के दिन में अगर बात, एग्जांपल मैं बता दूँ, गर्मी के दिन में 9 से 10 घंटे भी वाटर पंप चल सकते हैं, क्योंकि ठंड के टाइम में क्या है 4 घंटे 5 घंटे भी बहुत हो गए, तो लेकिन एक एवरेज निकाला गया है तो 8 घंटे के आसपास मान के चलते हैं, 8 घंटे में मैक्सिमम लिया हूँ। लेकिन आपको जो कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा कम मान के ही चलना है, मतलब 7 घंटे 7.5 घंटे ही मान के चलना है। लेकिन जो कैलकुलेशन अभी हम कर रहे हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, तो ये 8 घंटे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि रेस्ट ऑफ टाइम कितना बच जाता है, मतलब अगर 24 घंटे का दिन रात में से अगर 8 घंटे निकाल दिया जाए तो कितना बच जाता है, तो 16 घंटे मतलब 16 आवर बच जाते हैं जो कि सोलर पैनल से नहीं चल पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 16 आवर के लिए हमें बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा। अब 16 घंटे के लिए बैटरी बैंक जो लगेगा तो कितना हमें रिक्वायर्ड होगा, तो रिक्वायर्ड यहाँ पे मैंने दिया है वाटेज का, कि कितना हमें वाट चाहिए 16 घंटे को चलाने के लिए, क्योंकि हमारा तो 1000 वाट का अगर हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो हमारा 1000 वाट में तो क्या हो गया, दिन के समय में काम पूरा हो गया, उसमें हमको नहीं सोचना है, बैटरी नहीं लगाना दिन के टाइम के लिए, लेकिन रात के टाइम के लिए तो लगाना पड़ेगा। तो कितना हुआ, पहले वाट का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना वाट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे आप वाट देख पाओगे कि 16 घंटे है और 1 घंटे में कितने वाट चाहिए, 600 वाट, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में ही, आप देख पाओगे कि
सोलर पैनल से आउटपुट कितना मिल रहा है, 600 वाट। तो हम उसी को लेके आगे चलते हैं। रात के समय मान के चलते हैं कि उतना ही वाट मिलने वाला है पर घंटे, ठीक है। तो 16 घंटे चलेंगे, 16 गुना हम क्या कर लेते हैं, 600। तो 600 आउटपुट जो निकल रहा है वो 9600 मिल रहा है, मतलब 9600 वाट मिल रहा है। अब इतना वाट हमें चाहिए ही चाहिए मिनिमम, तभी जो है पूरा रात और दिन सोलर पैनल से या फिर ये बोल रहे बैटरी बैंक से मोटर चल पाएगा। कितने एचपी का मोटर, 1 HP का मोटर। अब 9600 वाट जो हमें रिक्वायर्ड है, अगर इतने का पैनल लगाएंगे तो चलेगा कभी क्या, नहीं चलेगा। ये तो रिक्वायर्ड है ना, और ये कितने देर में चाहिए हमें, पूरे दिन भर में चाहिए। मतलब पूरे दिन भर में इतने हमें मिल जाए सन के द्वारा और हम उसे बैटरी में स्टोर कर दें और बैटरी से हमें इतना आउटपुट चाहिए। एक बात ये ध्यान रखना है, जो 9600 वाट है तो उसको फुलफिल कितने देर में कर पाएंगे हम, कितने देर में करना होगा हमें, तो 8 घंटे में ही करना होगा ना, क्योंकि सनलाइट से ही हमें एनर्जी लेना है। वो 9600 को हमें फुलफिल 8 घंटे में ही करना है, तो 8 से डिवाइड कर दिया हमने, क्या कर दिया 8 से भाग दिया, तो कितना निकल गया, 1200 वाट हमें चाहिए हर घंटे में। मतलब 1200 वाट रिक्वायर्ड है हर घंटे में, किसके लिए, बैटरी में स्टोर करने के लिए। जो 1000 वाट का था वो पंप के लिए तो अलग मैंने पार्ट कर दिया, ये सिर्फ बैटरी में 1200 वाट जो रिक्वायर्ड होगा ये सिर्फ बैटरी चार्ज करेगा कि ताकि रात में चल सके। और बैटरी चार्ज कब करेगा, दिन के टाइम ही। चलिए आगे चलते हैं, आगे कैलकुलेशन देखते हैं। अब बैटरी जो हमें कितने का चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट का 4 बैटरी हमें लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन यहाँ पे देख पाओगे, 12 × 4 कर, 12 वोल्ट है, 4 बैटरी ले रहे हैं और एक बैटरी कितने एम्पेयर का होगा, 200 एम्पेयर का। तो तीनों को गुना करते हैं कितना आ रहा है, 9600 आ रहा है, आ रहा है ना। अगर आप गुना करते हो 12 × 4 × 200 तो आता है कितना, मतलब 9600 वाट आ जा रहा है। मतलब आपने ये देखा कि आप 4 बैटरी लगाते हो देन आपको जितना चाहिए पूरा रात भर में उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़, आप अगला कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग कि बैटरी जो है वो कितने, मैंने आपको बता ही दिया कि 4 बैटरी हमें चाहिए होगा और हर बैटरी 200 एम्पीयर का होना चाहिए। अब रही बात कनेक्शन की, तो कनेक्शन का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ का कनेक्शन, ना पैनल का, ना बैटरी का, ना इन्वर्टर का, किसी भी चीज़ का, ना पंप का, कनेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड बैटरी और पैनल का बात कर रहे हैं कि कितने पैनल लगेंगे, कितने वाट के लगेंगे और कितने एम्पीयर का बैटरी लगेगा, ये सब चीज़ का हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ बात ये भी कर रहे हैं कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि सोलर पैनल से बिल्कुल चलेगा, रात के टाइम में भी हम बैटरी से चला सकते हैं। तो वही चीज़ मैं ना आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वन चलते हैं, टोटल पैनल कितने लगेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट वन चीज़ है कि टोटल पैनल के बैटरी, तो पता चल गया हमें कि 4 बैटरी हमें लगेंगे और हर बैटरी 200 एम्पीयर का, तो पैनल कितने लगेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपको कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि दिन के टाइम में जो चलेगा 8 घंटे, तो इसके लिए हमें 1000 वाट पैनल सफिशियंट है। मतलब 1000 वाट का पैनल लगाते हैं सिर्फ दिन दिन में चल जाएगा, तो दिन भर का मेरा कोटा पूरा हो गया, ठीक है। 8 घंटे जो है वो पूरा हो गया, साइड कर दिया हमने। अब बाकी के जो 16 घंटे बचे हैं उसको चलाने के लिए हमें चाहिए था, जो कि 9600 वाट पावर चाहिए था, और वो हर घंटे कितने वाट चाहिए था, 1200 वाट। अब 1200 वाट जो हर घंटे चाहिए, तो इस 1200 वाट आपको हर घंटे कितने पैनल से मिलेंगे, कितने वाट के, मतलब पैनल से, तो 2000 वाट के पैनल से। सिंपली 1000 वाट के पैनल से 600 वाट मिल रहा है, तो 2000 वाट के पैनल से 1200 वाट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1000 वाट प्लस 2000 वाट तो हमने ऐड प्लस कर दिया, साथ में आप यहाँ पे और देख पाओगे 500 वाट हमने एक्स्ट्रा और जोड़ दिया है। अब यहाँ 500 वाट एक्स्ट्रा हमने क्यों जोड़ा पैनल पे, मतलब टोटल पैनल 500 वाट का और लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हम भी सिर्फ शॉर्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम डीपली लोड कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। आपको मैं लोड कैलकुलेशन बता भी नहीं रहा हूँ, आपको एक राउंड फिगर में, मतलब एक अनुमान लगा के हम जो होना चाहिए वो आपको बता रहा हूँ। लोड कैलकुलेशन जिससे जाएंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। अब 500 वाट मैंने यहाँ पर राउंड फिगर में आपको दिखा दिया, और वो राउंड फिगर में इसलिए दिखाया क्योंकि बैटरी में ध्यान देना, एक एग्जांपल सा एक बैटरी है, बैटरी में अगर हम 9600 वाट अगर डाल रहे हैं और हम 9600 वाट का निकाल सकते हैं, क्या बैटरी इतना देगा, जितना हमने चार्ज करके दिया उतना क्या वापस देगा, कभी नहीं देगा। ऐसा कोई बैटरी बना ही नहीं है कि जितना हम दे सकते। अब बैटरी छोड़ दो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो आप कि 1 लीटर का बोतल है, ठीक है, 1 लीटर का बोतल है, उसमें आप 1 लीटर पानी फिल कर दियो, ठीक है, और उससे आप जब निकालोगे तो क्या पूरा एग्जैक्ट 1 लीटर पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि बोतल के लेयर में भी तो कुछ रह गया ना, कुछ बूंद वगैरह उसके बोतल में भी तो रह गया,
तो वो जो है एक नॉर्मल सा एग्जांपल हमने देखा कि बोतल में भी रह गया, पूरा पानी नहीं निकला, उसी तरह एक बैटरी है, स्टोरेज बैंक है, जितना हम उसमें डालेंगे उतना वो बाहर कभी नहीं निकालेगा। इसी को तो एफिशिएंसी कहते हैं। तो बैटरी में दो चीज़ हमें कैलकुलेशन करना होता है, एक होता है एफिशिएंसी मतलब कितना हमने दिया और कितना हमने निकाला, ठीक है, ये होता है। दूसरा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी होता है, मतलब बैटरी अपने आप में उसको डिस्चार्ज भी करता है। तो दो चीज़ हमें माइनस करके चलना होता है बैटरी का, एक डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, DOD वो इसको बोलते हैं, और दूसरा बैटरी का इफिशेंसी, दोनों का माइनस करके हम चलते हैं। ये लोड कैलकुलेशन में चीज़ है, तो मैं इसको किसी और वीडियो में हालांकि बताया हूँ बहुत पहले, लेकिन अभी शॉर्ट में हम इस सब को माइनस करके अगर चले तो इसके लिए हमें क्या कुछ पावर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने 500 वाट जो है यहाँ पे इंक्रीज करके, यानी 500 वाट का पैनल बढ़ा के आपको दिखाया है। अगर 500 वाट आप बढ़ा के लगाते हो तो ये माल 500 वाट का आपका दिन भर में कितना एनर्जी जनरेट कर देगा, तो लगभग आपको 2 किलोवाट जो है कम से कम जनरेट करके आपको दे देगा। तो आप ये समझ लो कि लगभग 2 किलोवाट जो जनरेट कर रहा है सिर्फ 500 वाट का पैनल, तो वो आपका बैटरी ही ले लेगा, बैटरी का इफिशेंसी, बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। तो ये सब कैलकुलेशन के लिए मैंने 500 वाट एक्स्ट्रा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पे दो चीज़ फिर से रिकॉल करते हैं। पहला चीज़ ये कि कितने का हमें बैटरी लगेगा। तो बैटरी यहाँ पे आप देख पाओगे 4 बैटरी लगेंगे और हर एक बैटरी 200 एम्पेयर का होगा और 12। अब बात करते हैं पैनल का, तो पैनल जो आपको टोटल लगेगा वो 3500 वाट का पैनल लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 1 HP मोटर चलाने के लिए आपको कितना बैटरी लग गया, 4 बैटरी लग गया, हर बैटरी 200 एम्पेयर का, और कितना पैनल लग गया, तो आपको 3500 वाट का पैनल लग गया, जो कि आपका 1 HP का मोटर दिन दिन में सिर्फ 1000 वाट में चल रहा था, और रात में चलाने के लिए अगर आपने सोचा तो आपको क्या करना पड़ा, 3500 वाट एक्स्ट्रा लगाना पड़ गया, मतलब टोटल 3500 वाट का लगाना पड़ गया। तो यही चीज़ है, हम कैलकुलेशन अगर निकाला जाए तो जिनको चलाना हो रात में वो चला सकता है बैटरी लगा के, अगर आपको चलाना नहीं है, दिन में ही काम आपका हो जाए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बैटरी ना लगाओ, सिर्फ दिन दिन के लिए 1000 वाट लगा दो, आपका 1 HP का मोटर आसानी से चल जाएगा। तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी आपको कुछ डाउट रह गया देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अब ये तो 1 HP का, अगर आपको जानना हो कि 2 HP 3 HP में कितना सारा रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसी चीज़ को लेके कि 1 HP में कितना, 2 HP में कितना, 3 HP में कितना पैनल लगेगा, कितने का बैटरी लगेगा, सारा कुछ मैं अगला वीडियो में जल्द ही लाने वाला हूँ। तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर होगा। अब भी कोई डाउट रहेगा देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर ही लो मुझे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।